भैया माफ कर दीजिए, पर हम जानते हैं आपको बहुत दुख हुआ होगा। प्रियंका भाभी की सच्चाई सबके सामने लानी बहुत जरूरी थी। नहीं आबा, मेरे लिए इस घर की खुशियों से बढ़कर कुछ और नहीं है। वीर, जाने शांत को सुला दे। एक बार फिर तुमने इस घर को बेइज्जत होने से बचा लिया बेटे। इस स्वर्ण भवन अगर किसी का हक बनता है तो सिर्फ तुम्हारा बनता है। नहीं नहीं, हमें ये स्वर्ण भवन नहीं चाहिए, हमें बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, वही हमारे लिए काफी है। पर अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक चीज हम जरूर मांगेंगे। आप बोलो ना बेटे। एक मिनट माँ, पापा, कनिका बदल गई है, हमने दिल से महसूस किया है। और अगर आज कनिका हमारा साथ ना देती तो हम प्रियंका भाभी का सच सबके सामने भी ना ला पाते। हम ये चाहते हैं कि आप सब कनिका को माफ कर दीजिए। I'm sorry, पापा। बचपन से लेकर अब तक आप लोगों ने मेरी सारी गलतियों को माफ किया, इस भूल के लिए भी माफ कर दीजिए। I'm sorry, पापा। ठीक है बेटा। मैं कभी आपको आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जावा का दूसरा ही रूप देख रहा हूं, एक तरफ प्रियंका भाभी के साथ उसका बर्ताव और दूसरी तरफ कनिका को हम सबसे मिलाना। आबा ने कनिका को तो माफ कर दिया, लेकिन प्रियंका भाभी के साथ ऐसा क्यों, जबकि दोनों की गलती एक समान थी। ये आवाज किचन से आई ना, मैं देख के आती। अरे आरती पूरी कर लो, हवा से कोई बर्तन गिर गया। हे भगवान, मेरी परिवार की खुशियां बनाए रखना। आभा की वजह से आज इस परिवार को उसकी बेटी मिल गई, पर आपने हमसे हमारी एक बहू को दूर कर दिया। अब और परीक्षा मत तो हमारे परिवार की भगवान।